बधाई देता हूँ कि आज चार धाम के कपाट खुल गए हैं। आज से चार धाम यात्रा हमारी प्रारंभ हो गई है और सभी आने वाले तीर्थयात्रियों की मनोकामनाएं हमारे चारों धाम पूरी करें, हमारे धाम करें, गंगा मैया, यमुना मैया, बाबा बद्री विशाल, केदारनाथ, सभी की कृपा हो। और आज विधिवत रूप से यहाँ पर पूजा के बाद यहाँ भी कार्यक्रम शुरू हो गया है। गंगोत्री पहली पूजा हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस पर हुई है। संकल्प हम लोगों ने लिया है कि भगवान जो है उनको लंबे समय तक इस देश को नेतृत्व उनका मिलता रहे। इस प्रकार से उनके नेतृत्व में भारत का मान सम्मान स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। माँ गंगोत्री, माँ यमुनोत्री, बाबा केदार, बाबा बद्री विशाल उन पर कृपा करें, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश और दुनिया के अंदर धर्म की पताका फैली है। धार्मिक जो हमारे संस्थान हैं, धार्मिक स्थान हैं, उन सभी को एक उत्कृष्टता में आगे उद्भव का काल प्रारंभ हुआ है। और हमने भी यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं उत्तराखंड सरकार की तरफ से की, यात्रियों की अच्छी व्यवस्था हो, आने जाने में उनको कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ चूँकि पिछले तीर्थ के इस महापर्व पर सभी तीर्थयात्रियों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कि हजारों श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं और माँ भगवती गंगा के सुबह 9 बजे यहाँ पर पहुँची, कल रात भैरव घाटी रही और 10:30 बजे से निरंतर पूजा हुई। और पूजा के बाद, पूजा के उपरांत ठीक 12:35 पर माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ये माँ गंगा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए और आप सब अक्षय तृतीया के दिन आए। और सबसे बड़ा महत्व है आज निर्माण दर्शन जो गंगा मैया का जिसने किए, जो पाषाण मूर्ति का जो दर्शन किया, वो सौभाग्यशाली है, वो अद्भुत बात है। केवल इसका दर्शन सप्तमी तक होता है। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पधारे, जय गंगा।